तकनीक है, भारत की जो वायु शक्ति है वो धीरे धीरे कितना एडवांस लेवल पे पहुंच रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये और ऊंचाई तक पहुंचे और भारत आत्मनिर्भर हो सके, ना सिर्फ डिफेंस में बल्कि एविएशन की पूरे इंडस्ट्री में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी के दंगे का एक नया वीडियो जारी किया है और ये वीडियो लाल किला का है, जिसमें दंगाई लाल किले पर एक घोड़ा लेकर आ गए हैं और तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिस जगह पर तिरंगा फहराया जाता है उस जगह तक दंगा एक घोड़े के साथ पहुंच जाता है। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से दंगा हाथों में लाठी लिए नजर आएगा। अब देखिए, जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश का तिरंगा लहराते हैं, वहां पर ये दंगाई घोड़े को लेकर वहां पर पहुंच गए थे। और एक उसका दूसरा हिस्सा भी इस वीडियो का, जिसमें दंगाई हाथ में लाठी डंडे लेकर वहां पर पहुंचे हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक वो घूम रहे हैं। और पुलिस ने दंगाइयों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे पुलिस को। और आप देखिए किस तरह से जो अपमान हुआ था उस दिन राष्ट्रीय धरोहर का, राष्ट्र के सम्मान का, राष्ट्र के तिरंगे का, और पूरी दुनिया में देश का नाम किस तरह से मिट्टी में मिलाया गया, उसकी एक तस्वीर जो दुख पहुंचाती है, लेकिन दिखाना भी ज़रूरत है, क्योंकि इनको आप देखिए और पहचानिए और इनके बारे में पुलिस को इत्तला कीजिए, क्योंकि ये गुनहगार हैं देश के और देश के सम्मान के। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नया वीडियो जारी किया गया है दिल्ली पुलिस की ओर से। ये 26 जनवरी की तस्वीर है, जिस दिन जो ये दंगाई थे ये लाल किले में दाखिल हुए थे और इन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ तो की थी और साथ ही साथ घोड़ा लेके पहुँच गए थे उस जगह पर जहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। अबे पराशर हमारे साथ जुड़ गए। अबे नया वीडियो सामने आया है, हैरानी होती है देख के कि आप वहाँ पर चले तो गए लेकिन साथ में घोड़े को भी लेके पहुँच गए। आखिरकार इनकी सोच क्या थी, क्या षड्यंत्र लेकर गए थे ये लोग? देखिए, पूरी तरीके से षड्यंत्र था, पूरी प्लानिंग थी, ऐसा पुलिस की जांच में सामने भी आ रहा है। और जिस तरह की वीडियो निकलकर सामने आ रही है, एक के बाद एक 10 नई वीडियो इंडिया टीवी के पास मौजूद है, जिसमें किस तरीके से लाल किले के अंदर 26 जनवरी के दिन तांडव मचाया गया उसके सबूत है। उसमें दिख रहा है कि लाल किले की प्राचीर की तरफ घोड़ा लेकर जो है ये जो किसान के नाम पर जो वहां पर दंगाई पहुंचे थे वो लेकर जा रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहे हैं। एक पूरी रिपोर्ट भी हमारे पास निकलकर सामने आई है, जिसमें से लाहौरी गेट के अंदर से इन्होंने घुसने की कोशिश की, अंदर घुसने के बाद दीवार जो है रस्सी के जरिए, जो कमांडो रस्सी होती है उसके जरिए अंदर कूद गए, अंदर कूद के जो लाइट्स लगी होती है, जो फिटिंग्स लगी होती है उन्हें वहां पर तोड़ दिया। इसके साथ ही जहां पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर तिरंगा फहराते हैं वहां पर चढ़कर पोल पर धार्मिक झंडे इन लोगों ने फहरा दिए। इसके अलावा एक तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से 26 तारीख को षड्यंत्र के तहत ये लोग घुस गए थे लाल किले के अंदर, एक और नया षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं कि जब पुलिस वाले आए तो उनको बंधक बना के रख दो। आखिरकार ये किसान अगर नाम लेके क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर वाकई में किसान होते तो बातचीत करते ना, इन सब करने की जरूरत क्या थी? अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद दीप सिद्धू का एक नया वीडियो आया, आपको दिखाएंगे आखिरकार क्या कहता है ये दीप सिद्धू।